अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और हमारे यहाँ मौसम देखिए, बारिश तैयार हो चुकी है इस वक्त, और हवा भी चली हुई है। रात को भी काफ़ी बादल आए थे लेकिन बारिश नहीं हुई। आज लगता है आज बारिश होगी। तो आज है ना, मैंने कुछ घर का काम करना है वो आपसे शेयर करते हैं। आए चलते हैं। अस्सलाम मियां आले थे बारिश आई गई। तंदूरी को ना मैं अच्छी तरीके से ढकूंगी, बारिश के बाद ही ना तो पानी तंदूरी के अंदर ही जाएगा, इसलिए पहले मैं बना के रखूंगी। जी देखिए, ये नई दूरी ली है, इसमें पानी पानी ना डाल के रखा हुआ है, खुश्क होती है ना। तो ये देखें नई सब्जी आज मैंने मंगवाई है अफतारी के लिए, कद्दू लोटा है। सुकलान कहता है मुझे रोजा नहीं है, तो ये कर रोजा रखेगा। सुकलान कर रोजा रखेगा। आज हम बनाएंगे कद्दू। तीन मोटर आई और तार भी आई हुई है, जैसे बड़ी मस्जिद है उसका काम आज से शुरू हो रहा है, इसे नाम सीखा है वो। ये देखिए भोक रखी है, और ये डाल भी नहीं गाय को। क्या कर रहे हैं? ये खल है, खल मैंने जब भिगो के रखी थी ना वो है। चूड़ी तो है नहीं, तो बड़ा चूड़ी में मिक्स करे, चारा ऐसे डाल दिए, फिर मैंने खल ऐसे डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल है बहन भिराओ, ठीक ठाक हो? बहरहाल मेरा बेटा जो है आजकल वो वीडियो तैयार कर रहा है, वीडियो बना रहा है, अल्लाह ताला इसको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाँ हवाई जहाज निकल जाए, ठीक है, मेहरबानी। अभी उधर हो गया मौसम ठंडा, हवा तेज से चली, तो या फिर रात को बारिश आ जाएगी, नहीं आएगी तो सुबह सुबह जो है ना पानी लगाना है सारे को। तो सप्लाइन कह रहे हैं कि मैं जो है ना ये खाली कह रहा मैं साफ कर देता हूँ, मैं कह रही हूँ मैं करूँगी, तो ये कहते कि नहीं मैं करूँगी। इतने प्यारे प्यारे लगे हैं तो किन्नू मामा डोटा मीठा डोटा मैं डोटा। चलो ठीक है, क्लाइंट कहता है कि मैं बनाऊंगा आपको रोजा। इधर आओ, ये सकना है ना, इधर इधर आओ। तो आज हमारे पास जो है वो अभी काफ़ी तेज चली हुई है, और ये जो पौधे हैं ना जम्मू के पौधे,
ये 5 साल बाद लगते हैं, ये काबली थे उस वक्त मैंने इनको लगाया था, बाहर से ले कर लगाए थे, देसी इधर के नहीं लगाए थे कि इधर से किसी पौधे के नीचे से उठा के लगाए थे, वो नहीं मैंने बाहर से लगाए थे। तो इस साल इंशाल्लाह जो है ना ये लगेंगे, उम्मीद है इस साल इसके नए नए पत्ते आ रहे हैं ना इस मौसम में, तो उम्मीद है कि लगेंगे इस साल। कहते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो मैं जो है ना व्लॉग की आपको बना के दिखाऊं। तो माह रमज़ान का महीना है, आपको पता है काम तो सुबह सुबह जल्दी थोड़ा बहुत वो हो जाता है और होता भी नहीं है काम। इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद हम अच्छी से अच्छी सकलैन और मैं हम दोनों जो है अच्छी से अच्छी व्लॉग की वीडियो बनाया करेंगे। और दिन को भी काम होते हैं सारे, फिर तो रोज़ा नहीं होगा ना, तो सारे काम क्या करेंगे इंशाल्लाह। उस क्लैन जो है ना वो स्कूल जाता है सुबह नाश्ता करके, सुबह ये स्कूल चला जाता है और आपको पता है दोपहर को ये आता है, फिर मैं भी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और ये आता है, ये बाद में ये जो है ना काम वगैरह इसका होता है स्कूल का वो लिखता है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि ईद के बाद आएँ आप अपने चेकअप के लिए, तो मैं सोच रही कि 2-3 दिनों में मैं जाऊँ, मेरी आँखों को बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखें देखें बिल्कुल ही लाल हो गई और इस जगह पे दर्द हो रहा है, तो सोच रही थी कि दवाई तो खा रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक बार फिर जाके चेकअप भी करवाऊँ और ये कोई दवाई थोड़ी चेंज हो जाएगी ना तो ये दर्द जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद ईद के बाद रोज़े पूरे हो जाए इंशाल्लाह, दुआएं मैं भी पूरे रोज़े दुआ करती कि मेरे जो मैं कोशिश करूँ कि मेरे जो रोज़े सारे के सर मैं पूरे मुकम्मल रखूँ। और आज भी मुझे रोज़ा है, मौसम भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है, लेकिन इसलिए जो है ना मैंने वीडियो इतनी काम काज की जो व्लॉग की होती वो नहीं बना सकी, बस ये ऐसे बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है ना आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगेगी, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हम दुआ करते हैं आप जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और सकरान को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।